तीन चार महीने से परेशान है। सोमनाथ भारती के पास जा लिया, ऑफिस में भी जा लिया, जे के पास भी जा लिया, कोई चेक कर रहे हैं, वाल लगा रहे हैं, खोल रहे हैं, बस ये करते करते 3 महीने से परेशान कर रखे हैं। हाल में थक के हमने रोड जाम किया है, 2 दिन से रोड जाम कर रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, ना नहाना ना धोना ना स्कूल जाना कुछ, थक गए हम तो, बीमार भी हो गए। हमारे पास कुछ नहीं बचा, आखिरी चारा हमारे पास ये बचा कि हम ये अपना रोड जाम करें, क्योंकि हमें ये पता था कि यही रोड जाम होगा तो हमारी आगे तक सुनवाई होगी। अब आगे हमारी सुनवाई इसलिए हुई कि हमने रोड जाम किया, उसके बाद में जो है ये पुलिस वाले भी आए, जो भी आए सब आके, ये आज मीडिया वाले भी आ गए, आपका धन्यवाद। और अब भी हम, कल भी उन्होंने हमसे कह दिया कि भाई पानी आ जाएगा कल, सब कल सुबह तक इंतजार करो, हमने कल सुबह आज सुबह तक इंतजार किया, आज भी पानी नहीं आया। फिर हमने दोबारा मीटिंग करी, हमने मीटिंग करने के बाद में हमने सबको बुलाया रोड पे, और रोड पे बुला के फिर हमने सबको एकजुट होके हमने रोड जाम किया। हमने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, ट्रैफिक पुलिस वालों को हमने इन्फॉर्म करा, हम ट्रैफिक वालों को इन्फॉर्म किया, हमने बताया उनको हम पहले रोड जाम कर रहे हैं, पुलिस वालों को भी बताया कि हम रोड जाम कर रहे हैं। उसके बाद में फिर हमने जितनी महिलाएं थी सारी वहाँ पे गई हैं, हम भी गए हैं और हमने जाकर रोड जाम किया। सोमनाथ भारती जी ने सजेशन दिया था, कोई नहीं सुन रहा तो रोड पे बैठ जाओ, जब आके हम रोड पे बैठे हैं, कहाँ जाए, रोड भी गए वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं, तो सब ब्लॉक करके भाग गए, कोई नहीं था, चौकीदार कह रहे हैं तो बाहर चले जाओ या मारे, और ये अपनी पूरी थी ना बूंद बूंद के लिए तरसा रहे हैं पूरी थी ना, तब वो डरे नहीं तो उन्होंने ना 2-4 आदमियों को तो धक्के मार के सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर निकाल दिया। बेटी पानी नहीं आ रहा, रोड रोके हमने, पुलिस वाले ने मारे धक्के मुक्के मारे, खराब है गंदा है, प्रेशर नहीं आता, यहाँ तक पानी मिल गया, वो भी पानी आ, वो भी गंदा हुआ है बेटे, एक बाल्टी दो बाल्टी आ, आपका आगे मेरा नहीं आया, हम आपसे दंगा करूंगी, ये क्या कर रखा है, काम धंधे का काम हो रहा है, बताओ। पूरी रात तो हम मोटर ऑन करेंगे, पानी आया नहीं आया, सारा दिन झगड़ा करो, इधर घूमो उस ऑफिस में घूमो उस ऑफिस में घूमो, कहीं पानी कुछ भी नहीं है। अब तो गलियों में बाहर भी मिलना बंद हो गया जब हमने शोर मचाना शुरू किया, नहीं तो बोर रोड से भर के लाते थे ऊपर 4 मंजिल पे, कैसे चढ़ेगा बंदा, ले पूरी रात बैठे रहते ऐसा, सोना तो रात को छोड़ ही रखा है। 26,000 बिल है पानी का, 26,000 और 1.5 महीने, हाँ जी आ रहा है और मेरे पास बिल आ रहा है, खर्चे करेंगे पानी में पैसे लगाएंगे, क्यों बिल भर रहे फिर हम सीरो का, अगर हम पैसा दे रहे तो सीरो का पानी पीने के लिए नहीं पैसे दे रहे हैं, साफ पानी के लिए दे रहे, 60% दे रहे हैं ना हम गवर्नमेंट को, कहाँ फिर वो सीवर का पानी, अगर सीवर का पानी पीना है तो हम इसको खोल के ही ना पी लेंगे, उनकी क्यों सिफारिश लेंगे। सब सीट के भूखे बैठे, जिसने सीट में जाना वो किसी का गोत नहीं पूछता, 2 महीने हो गए पानी आया, पानी बगैर क्या करेंगे बेटा, किराएदार वो भी नहीं डर सकते, या बेटा पानी बगैर तो कोई भी नहीं डर सकता, हम भी नहीं डर सकते, तब होना चाहिए, 2 टाइम ना 1 टाइम भी नहीं दिया, बूढ़े आदमी नहाने भी ना मिले, कुल्ला करने भी ना मिले, रेत का पानी आवा है, आओ तो चेक करने के लिए आते हैं ना, वे आगे आगे के घरों में चेक करके चले जाते हैं, पीछे देखते ही नहीं, वो फिर बोल देते हैं पानी आ रहा है आ रहा है, पीछे तो पानी पहुंचता ही नहीं है, तो पीछे भी तो पानी आना चाहिए ना, अगर घर दिखा देंगे ना तो घुसोगे भी ना, इतना बुरा हाल है हमारा, जाके देखो अभी। बोतल ला ला के गुजारा करते हैं, जो 40 रुपए की बोतल मिलती है वो 90-90 रुपए की दे रहे हैं, रात को जो है खाना खाया बैठे रहो, पानी कब आएगा कब आएगा, पानी आता ही नहीं है, पानी अभी एक आध जगह आता है और जगह बाकी पानी नहीं आता, मुझे तो करीब इतने साल, मुझे तो बहुत साल हो चुके हैं पानी के लिए तरसते तरसते, हमने बिस्तर खरीद खरीद के ना रहे, कब तक हम ये करेंगे आप बताइए, इसका कोई हल निकल सकता है तो निकल दीजिए, नहीं तो हमें दोबारा रास्ता जाना पड़ेगा। सर्वोदय निकले हुए में 10 बजे तक पानी आता है, तो इधर पानी क्यों नहीं आता, 1 बजे बैठते हैं तो नींद के झटके आते, काम करें हम वो करें, बिल बिल्कुल नहीं देंगे, जो भारो हमने दिया है बिल दिया है वो बिल हमारा वापसी दो, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी किसी के पास भी जा लो, हाँ जी करा देंगे, आज तक नहीं कराया किसी ने भी, ये हाल हो रहा है, तो करे क्या, सोमनाथ भर्ती का तो हाँ हो जाता है, वो कहते हैं हो जाएगा, दिल्ली जल बोर्ड वाले कहते हैं हो जाएगा, तो क्या करे आदमी कहाँ जाए। जब ये बनी थी सरकार बोला था पानी के बिल बिजली के माफ होंगे, माफ की बजाय बिल तो आ रहे हैं पानी नहीं आ रहा, मीटर घूमते रहे रीडिंग आती रहे और बिल भेजते रहे, पानी आता नहीं मोटर में, उनके मीटरों में भी गड़बड़ है, मीटर में गड़बड़ है, खाली घूमता है ब्लैक, नु कहते हैं डियर पार्क में पानी नहीं है, मैं गई डियर पार्क कंप्लेन करने के लिए, वहाँ पे हर एक टैंकर हटता है दूसरा टैंकर भरा जाता है, ब्लैक हो रहा है पानी, पानी ब्लैक हो रहा है, वो टैंकर कहाँ जा रहे हैं, टैंकर पानी नहीं है तो टैंकर कहाँ से भर रहे हैं, वो पानी खूब है लेकिन ब्लैक मनी हो रही है पानी में, सारे जो अफसर है ना इनकी मिली भगत जो परेशान कर रहे हैं पब्लिक को।